दोस्तों इधर शाहिद और सर अपना लिरिक्स लिख रहे थे, मैं उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी कर रहा था जो मेघा 2 का होने वाला था। আমার একটা স্বপ্নের ফিল্ম মেঘা 2, একটা পারিবারিক সিনেমা। বই তো এখানে নায়ক নায়িকাই আছে শুধু, কিন্তু একটা পারিবারিক আর একটা ভালো একটা মেসেজ আছে এই সিনেমাতে। মেসেজটা হইল এডুকেশন। বা জানুয়ারির মধ্যে সিনেমা বাংলাদেশে আমরা রিলিজ করতে পারি, সেই আশীর্বাদটা চাওয়ার জন্য আমি আসলাম এখানে। আর কিছু বলার নেই, ধন্যবাদ। আমি আসার ইচ্ছা ছিল না, আপনি দাদা বলে করেছেন। আমি আসলে হাইডেই থাকতে চাইছিলাম যে আমার প্রফেশনটা একটা দেখা পাব। প্রফেশন আপনারা জানেন যে সঙ্গে আসতে চাই না, সংস্কৃতি কোনো যায় না, সাদী এই পৃথিবী তো সেই নিয়ে থাকতে হয় সবসময়। তবুপরে ওখানে যে যে জিনিসটা দেখা যায় আসা আসা, এখান তো কাছের থেকে মানুষের সুযোগ করে দেখার সুযোগ হয়। আসলে ওর থেকে তো আসলে নতুন না, তার থেকে তাছাড়া আমার ছোটোবেলা ছোটোবেলা থেকে একটা অনুরাগ ছিল আমার। মানে প্রথম খেয়াল আছে ওই ছোট ছোট আমার একটা ট্রানজিস্টার ছিল, তো যখন আমি ক্লাস ফাইভে থাকি প্রচুর পরিমাণে গান শুনতাম। তো গান শোনার পরে একটু বড় হয়েছে আমার গান ওই এইটা ইন্ডাস্ট্রি আমি ভালো জানি না, জানি না জানি না ওই বাঁকা চোখের নেশা আমায় রাখে বাগরে বা, ওই বাঁকা চোখের নেশা। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ सिन्हा और स्वागत है आपका सिद्धार्थ सिन्हा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये माई बांग्लादेश टूर का दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड के ज़रिए मैं उन तमाम जगहों में आप लोगों को ले जाऊँगा जहाँ जहाँ पर मैं गया, जहाँ जहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस लिया, जहाँ जहाँ से मैंने एक्सपीरियंस लिया इनफैक्ट। और प्रेस रिलीज़ के बाद हम लोग सीधे जा रहे थे सुनामगंज की ओर। सुनामगंज बहुत ही एक फेमस जगह है बांग्लादेश में, क्योंकि ज़्यादातर जो आर्टिस्ट है वो सुनामगंज से बिलोंग करते, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जैसे कि हसन राजा, और उसके बाद सिलेट का एक अहम एक शहर है सुनामगंज। और हम लोग जा रहे थे उसी जगह में जहाँ से सर ने सुरमा नदी के किनारे बैठते हुए उन्होंने गाना लिखा हमारे लिए और वो सुपरहिट बन गया। और अभी तो फ़िलहाल भूख लग रहा है तो सबसे पहले हम डिनर करेंगे। और हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में आए हैं। इस रेस्टोरेंट में सर ने पहले से ऑर्डर दे रखा था हमारे पूरे टीम के लिए, तो खाना तैयार है, चाय नाश्ता, उसके बाद डिनर। बहुत ही बेहतरीन डिनर हमने की यहाँ पे, और लिटन मेरे दोस्त जो है वो मज़ा लेते हुए डिनर का। हम लोग अभी सुनामगंज में है। सुनामगंज जो सिलेट से कम 1.5 घंटे का फासला है, 70 किलोमीटर। और सर हमें लेके आए हैं उनके अपने जगह में जहाँ पे वो पहले अपना जॉब करते, मतलब पोस्टिंग था उनका पहले। तो हम लोगों ने पहले डिनर किया, डिनर के बाद चाय मिला है हमको। ऐसा मेहमान नवाजी मुझे ज़िंदगी में कभी मिला नहीं था और आई डोंट थिंक कि अभी मिलेगा फ्यूचर में, और ऐसा मिलेगा तो बहुत लकी हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे साथ, जितने लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग, गुणी लोग, सब लोग हैं। बहुत ही मज़ेदार एक म्यूज़िकल अड्डा के बाद हम लोग जा रहे थे वही जगह पे जहाँ से बैठ के सर ने हमारे लिए गाने लिखे थे, ये सुरमा नदी के पार पे।
हम लोग बैठे दोस्तों बांग्लादेश में, ये मेरा तीसरा दिन है और हम लोग अभी रवाना हो रहे थे रासलीला के लिए जो बानुगास में होने वाला था, और हमारे टीम के दूसरे सदस्य पहले से ही पहुंच चुके थे उसी जगह में और तैयारियां कर रहे थे हमारे लिए। भाईजान नाम की था तुम्हारा? ओके। इंटरनेशनल कार्ड हो तो आप पैसे कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये रहे बांग्लादेश पैसे, मजा अच्छा लगा। तो जैसे कि कह रहा था कि हमारे टीम के दूसरे सदस्य ऑलरेडी पहुंच चुके थे बानुगास के पास, एक गांव है जिसका नाम है बालीगांव, पहुंचे थे वहीं पे पहुंच गए थे और वहां पे हमारे डॉक्टर साहब के मकान में हम लोग रहेंगे, स्टे करेंगे, वहां हम थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद रात तक हम लोग निकल जाएंगे जो रासलीला होने वाला है वहाँ आगे जाए फोरे की। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बालीगांव, यहाँ से हम लोग बानुगाछ जाएंगे जहाँ पे रासलीला होगा, और जिस घर में हम लोग आए हैं एक विला में, और वो घर है काफ़ी सुंदर है, सही है, ठीक है। আমরা খাওয়া দাওয়া ইয়ে করতেছি, দুপুরে লাঞ্চটা কীভাবে শর্টকাট আমরা করা যায়, আর শর্টকাটের পরে আমরা মনে করেন তিনটার দিকে মাদুপুর রাস্তা রাখালি তো হবে, এখানে ওখানে আমরা যাবো, সবাই একসাথে যাবো, আশা করি এখানে এনজয় করবো। আর রাত্রে বিকালের যেটা প্রোগ্রাম আছে সাংস্কৃতিক ইসে আছে বা মিউজিক্যালের যে প্রোগ্রাম আছে শেষ করার পরে আমরা 9টার পরে একটু ওইটা রাতে আনবো, বেক করবো করিয়া, হ্যাঁ আবার আনাতে 12টার দিকে আমরা এখানে আবার যাবো। না না দৈন্য আপনি না, আমি দৈন্য, কারণ আমার মানে সৌভাগ্য, আমার সৌভাগ্য মানে স্যারের এই বাংলাতে আমি আসলাম, দেখলাম এত সুন্দর বাংলাতে ঢুকেই মানে আমার অলরেডি আমি যে টায়ার্ড ছিলাম ওই টায়ার্ডনেসটা গেল, চলে গেল। কোন সিনহা? হ্যাঁ বিশগাঁওয়ের হিরো নায়ক, অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, আপনি আপনার সেবা না আমরা করবো আপনার সেবা, বুঝলেন? ঠিক আছে, আপনি যে লাগছেন ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ আমার সিনেমা আনোয়া সিনেমা আনা মেঘা টু বুলিয়া মেঘা ওয়ানের সম্বন্ধে বহুতে হাত পাচ্ছি, আগে আমি মেঘা ওয়ান সাকসেসফুলি রিলিজ করেছিলাম, বহুত সবার সেই হিট হচ্ছে, আমার সমাজের বাবুলিয়া বহুত ডাঙর টেপা হানা মিল সিনেমা ওয়ান সাকসেসফুল হচ্ছে। অ্যান্ড মেঘা টু যে আমি করানি বললাম মানে স্টার্ট করলাম শুটিং করানি, শুটিং করানি হাতিগত করোনা হয়ে আমি শুটিং বন্ধ করেছিলাম,
তো পিছের শুটিং মানে করোনা পিছের বার শুটিং কলাগো করিয়া দিয়া সাকসেসফুলি সিনেমান লই করলাম হামতে গিরিগি থানি যে হাম মোর টিম মানে কাম করেছি মেঘাটো টিমো মানে উটিমো আর মইতে বাংলাদেশে তো শিল্পী মমে কাম করেছি আমার টিম আনো লগে মিলন সিংহ পানোয়া ডাঙে তো আছে যে গো আমার বাংলাদেশ শিল্পী ও তা কাম করেছে আমার সিনেমা মেঘাটো আর লাভলি দি আমার আছে যে লাভলি দি আমার মেঘাটো সিনেমা না এলা আনতে চেষ্টা করি কোন दोस्तों आप देख सकते हैं अभी रात के 12 बज रहे हैं और इतनी भीड़ है सड़कों में और 12 बजे को ही शुरू होने वाला है रासलीला और यहाँ कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग आए हैं। रासलीला इतना ही फेमस है कि यहाँ लगभग मणिपुरी कम्युनिटी, उसके बाद बंगाली कम्युनिटी, हर तरह के लोग आके ये रासलीला देखते हैं और वो अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं। मैं भी बहुत भाग्यवान हूँ, ये रासलीला मुझे देखने को मिला और मैं हमेशा चाहूँगा कि हर साल यहाँ जाऊँ। यहाँ के बहुत सारे कथाएँ हैं इस रासलीला के बारे में, इसलिए पर्यटक जैसे कि कंट्री से बाहर से यूरोप से भी लोग आके इस रासलीला को देखते हैं। दोस्तों बानुगास जुरा मंडप में ये रासलीला होता है, जुरा मंडप कहते हैं इस एरिया को, और हर साल रास पूर्णिमा के वक्त यहाँ पे रासलीला होता है और मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही एक पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ रासलीला देखने के बाद। आज 14 दिन है, 4th दिन है मेरे बांग्लादेश सफ़र का और मैं अभी जा रहा हूँ बिशगाँव, छॉय सिरी बोलते हैं गाँव का नाम, चुनारूघाट एरिया में पड़ता है सिलेट, और अभी आप लोगों को इंटरेस्टिंग कुछ दृश्य दिखाने वाला हूँ वहाँ के, बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहिए अगले वीडियो तक के लिए, एपिसोड 3 में हम आपको दिखाएंगे कि बिशगाँव हमें कैसा लगा। नमस्कार।